गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। सुबह के वक्त में तो चाय इम्पोर्टेंट होता ही है, तो यहाँ पे बस मैं चाय बना दूँगी और उसके बाद तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो मैंने यहाँ पे प्याज वगैरह सब कुछ कटिंग करके रख दिया है, बस बनाना बाकी है। तो पहले मैं चाय पी लूँगी और उसके बाद ही ब्रेकफास्ट है वो बना दूँगी। ब्रेकफास्ट बनाना हो चुका है मेरा और यहाँ पे मैं अभी थोड़े से मैं ज्वेलरी वगैरह थी ना मेरी, उसको मैं रख रही हूँ क्योंकि जब भी मैं साड़ी वगैरह पहन लेती हूँ ना तो ज़्यादा ज्वेलरी मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि बहुत सब कुछ मेसी हो चुका था, तो इसके वजह से सोचा कि चलो मैं आज उसको पहले ठीक रख देती हूँ, क्योंकि बाद में रखूँगी ऐसे ही हो जाता है और वो वहाँ ज्वेलरी ऐसे ही पड़े रह जाती है। तो इसके वजह से ये सब कुछ मैं काम पहले कर लेती हूँ और बस मैं बाद में आपसे बात कर लूँगी। सब कुछ काम जो थे ना वो मैंने कर डाले हैं, सारी मेरी ज्वेलरी वगैरह थी ना उसको ठीक से रख दिया और अभी शॉवर लेके बस आ गई हूँ। और बारिश देखो थोड़ी सी कम हो गई है, मतलब थोड़ी सी जा चुकी है, नहीं तो सुबह से नहीं बोल सकती, रात भर बारिश चल रही है। रात को भी चल रही थी और अभी सुबह के वक्त में भी पूरी की पूरी बारिश है। वैसे हवा भी आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगी। तो ऐसे ही बस बहुत सारे वैसे जगह पर बारिश हो रही है, तो प्लीज़ सेफ रहो सब लोग। वैसे कल के ब्लॉग में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, बट आज भी मैं फिर से बता रही हूँ, अगर किसी कल का ब्लॉग मिस किया होगा तो आज भी मैं बता देती हूँ, तो प्लीज़ सेफ रहो। एकदम ठंडी ठंडी बारिश हो रही है, इतना ठंड, कल तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा था कि कुछ काम मतलब काम करने का मन भी नहीं कर रहा था। वैसे आज सुबह भी ऐसे ही हुआ था, एकदम से मतलब सुबह हो चुकी थी बट लग नहीं रहा था कि सुबह हो चुकी है, मतलब इतने 7 बज चुके थे बट फिर भी इतना मतलब काले बादल आए थे ना, जिसकी वजह से एकदम से अजीब ही वेदर बोल सकती हूँ मैं। और अभी देखो काफ़ी सारी हवा यहाँ पे आई है, यहाँ पे देखो तो बीच बीच में ना हवा भी बहुत ही ज़्यादा चल रही है, बारिश भी चल रही है। यार मौसम सच में चेंज हो चुका है, तो आप भी मुझे बता दीजिएगा कि आपके यहाँ पे कहाँ का बारिश हो रही है, क्या क्या हाल है कहाँ का। और चलो अभी लंच का देख लेती हूँ क्योंकि लंच बनाना बाकी है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बना दिया मैंने। और यहाँ पे पूरा मतलब बालकनी में आप देख सकते हो पानी पानी है। वैसे मैंने सुबह ही मैंने ये पूरी जगह को क्लीन कर दिया था, सुबह अच्छे से क्लीन कर दिया था और बाद में जो मैंने देखा तो फिर से इतनी ज़्यादा बारिश आ गई कि फिर से सब कुछ पानी पानी हो ही गया। और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखो और छोटे छोटे फूल यहाँ पे आ रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत से फूल है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। वैसे गुड़हल का भी आज फूल खिल गया है, मैंने आप लोगों को दिखाया है स्टार्टिंग में, पूरा फूल नहीं गया था वो थोड़ा सा ही फूल गया था, तो वही मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अभी पूरा फूल गया होगा क्योंकि फूल नहीं खिल गया होगा यार मराठी में बीच में बोलते, तो वो फिर जो गुड़हल का फूल है ना वो खिल गया होगा अभी, तो मैं देख लेती हूँ बाद में। अभी मैं मतलब काम ही कर रही थी तो इसकी वजह से वहाँ पे वक्त भी नहीं मिला, और बारिश में ना बिल्कुल भी मन नहीं करता बालकनी में जाने का। और एक कनेर का फूल भी आया है, वैसे उसको ना पहले भी फूल आते हैं, तो छोटा सा फूल है यहाँ पे,
और जहाँ जहाँ मतलब जब भी किसी पौधे पर अगर फूल आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे चिट्टियाँ बहुत सी घूमने को मतलब देखने को मिलती है। अभी मैंने कनर के यहाँ पे देखा तो वहाँ पे भी एक चिट्टियाँ थी, यहाँ पे इस साइड पे जो रेड कलर का फूल आया ना, वहाँ पे भी चिट्टियाँ है। तो पता नहीं वहाँ पे जब भी किसी पौधे पर फूल आते हैं ना, तो चिट्टियाँ क्यों जाती है वहाँ पे। और ऐसा ही होता है, और जब भी फूल या फिर जो कलियाँ होती है ना वो चली जाती है ना, या फिर उस पौधे पर नहीं होती है ना, तो वहाँ पे चिड़ियाँ भी गायब हो जाती है। पता नहीं चिड़ियों को फूल और कलियाँ क्यों पसंद आती हो, तो वो ना ख़राब करते हैं फूलों को या फिर कलियों को। इसकी वजह से मुझे ना चिड़ियों को बहुत गुस्सा आ जाता है। और अभी फिर से जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है। चलिए मैं अभी लंच का देख लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, सब कुछ क्लीनिंग का वगैरह सब कुछ काम करते करते लेट हो ही जाता है। चलो मैं लंच बना लेती हूँ। आज मैं क्या बनाना है, जैसे करी और मराठी में उसको सांभर बोलते हैं, तो वही मैं बनाने वाली हूँ। तो जो काले चने होते हैं ना, चने नहीं होते यार, काले वाटाना होते हैं, मतलब ब्लैक पीज होते हैं ना सूखे वाले, उसकी मैं करी बनाने वाली हूँ। तो उसको हमारे यहाँ पे सांभर बोलते हैं, तो वही करने वाली। बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है ना, तो उसकी वजह से वही मैंने सोचा कि चलो मैं सांभर बना के दूँ। और बस राइस बनाना बाकी है, सब्जी तो सुबह हो चुकी है, तो चलिए मैं चलती हूँ अंदर, क्योंकि बारिश चालू शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने मनी प्लांट को देखिएगा कट कर दिया था, तो वहीं से ही ना अच्छे से वो फिर से ग्रो हो रहा है। तो कल ना मुझे एक कमेंट आया था, कल या परसों मुझे अभी याद नहीं आ रहा कब आया था, तो वो बोल रही थी कि आपके यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, मतलब हमारे गैलरी के ना साइड पे बहुत सारे पेड़ है। तो यहाँ पे क्या होता है, पेड़ जो भी जहाँ पे होते हैं ना, वहाँ पे कीड़े मकोड़े वगैरह सब होते ही है, तो वो आपके गैलरी में आ सकते हैं या फिर घर में भी आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो यस, सही कहा आपने वैसे, क्योंकि आते ही है, मतलब ऐसे घर के अंदर नहीं आते, बट गैलरी में कीड़े तो इतने भी कीड़े नहीं है यहाँ पे, वो या फिर मकड़ियाँ होती है वो भी नहीं है, छोटी छोटी जो होती है ना वही सिर्फ आते हैं। तो मैं ना हर रोज़ मतलब आपको सभी को पता होगा, अगर आप मेरे डेली व्लॉग अगर देखते होंगे ना, तो आपको पता होगा ही कि मैं हर रोज़ अपनी बालकनी में जाके पौधों को देख ही लेती हूँ, क्योंकि आपने देखा है चिट्टियाँ भी आती है ना पौधों के ऊपर, अभी तो फूल आते हैं ना, तो वो आगे चिट्टियाँ होती है, तो उनको भी निकालना पड़ता है। तो बाकी के कीड़े वैसे नहीं होते, बट अगर हर रोज़ देखना पड़ता ही है, और पौधों की ना अच्छे से हम केयर करते हैं ना, तो ही वो पौधे होते हैं ना, वो अच्छे से रह जाते हैं, हेल्दी रह जाते हैं पौधे। तो मैं हर रोज़ उनको देखती हूँ कि कैसे है, ठीक है या नहीं, या फिर उसके ऊपर कोई कीड़े वगैरह है नहीं, क्योंकि पिछली बार ना हम दोनों मतलब हम वीक एक पूरा वीक हम यहाँ पर नहीं थे, तो इसके वजह से मेरे तो दो या तीन पौधे मेरे ख़राब हो चुके थे, वो कीड़े ही कुछ अलग से कुछ लग गए थे, ठीक है, तो इसकी वजह से वो पौधे ख़राब हो गए थे। तो यही होता है जब मतलब हर रोज़ उनको ना ध्यान रखना पड़ता है, ताकि वो अच्छे से रह सकते हैं। तो देखा ना आपने काले बादल किस तरह से यहाँ से जा रहे हैं। तो बारिश ना थोड़ी देर के लिए यहाँ पे चली गई है, बट फिर से वापस आने वाली है, क्योंकि आपको दिखाई देगा कि कितना अंधेरा है, दिन है फिर भी ऐसे इतना बारिश की वजह से ना एकदम से अंधेरा अंधेरा लग रहा है। और अभी यहाँ पे वक्त है बस डिनर का, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे जो मेथी होती है ना उसकी सब्जी बना रही। तो एक्चुअली मुझे बनाना था पकौड़े बनाने थे, पकौड़े खाने का मन कर रहा था, बट शाम को ना राजू ने मूँगफली लाई थी, तो मूँगफली हमने खा ली। बारिश के सीज़न में ना ऐसे पकौड़े खाना, मूँगफली या फिर भुट्टा खाना, ये बहुत ही पसंद आता है ना सभी को, अच्छा लगता है, तो इसकी वजह से हमने तो मूँगफली खा ली। और अभी तो इतनी भूख भी नहीं है, तो यहाँ पर मेथी लाई थी, तो मेथी की मैंने
सब्ज़ी बना दी है, बस सिंपल वाली जो मैं सब्ज़ी होती है वही बना रही हूँ मैं, और बस ज़्यादा और कुछ बनाना तो है नहीं, तो ये सब्ज़ी भी बन जाएगी और थोड़ी देर के बाद हम खाना खा लेंगे। तो खाना खाने के बाद एक बड़ा एक काम होता है, वो होता है किचन क्लीनिंग का। तो यहाँ पे मैंने किचन को क्लीन कर दिया है और थोड़ा बहुत सा जो काम बाकी है बर्तन वगैरह धोना वो मैं कर रही हूँ, और बस बेसिन वगैरह धोना है तो वो धो लूँगी। और गाइज मैं अभी इस व्लॉग को जो है वो यहीं पे एंड कर रही हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा।